गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम स्वर संधि में कंटिन्यू करते हुए यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि किसे कहते हैं? यदि ई ई ऊ ऊ री या ले री के बाद कोई असमान स्वर आए तो क्रमशः ई ई को तो यह बन जाएगा, यानी ई और ई यह बनेगा, ऊ और ऊ को व आदेश होगा, री को र बनेगा और री को ल आदेश हो जाता है। कैसे होता है देखिए, यदि ई या ई के बाद कोई असमान स्वर, अब असमान स्वर क्या होता है? असमान का मतलब है कि इसके पीछे ई ई नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ई ई आ जाएगा तो हम कौन से संधि में एंटर हो जाएंगे? दीर्घ संधि में। तो आपको ध्यान रखना है, असमान स्वर का मतलब है जो स्वर यहाँ पर है वो यहाँ नहीं आना चाहिए। तो वो जब भी ई ई के बाद कोई अन्य स्वर आ जाता है तो ई बदलता है य में, हलंत, य के नीचे हलंत रहेगा, उसमें कोई स्वर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से ऊ ऊ के बाद कोई असमान स्वर आए, अर्थात ऊ ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर आ सकता, ऊ ऊ नहीं आएगा, आना चाहिए। तो असमान स्वर का मतलब होता है जो आगे स्वर है वो पीछे नहीं आना चाहिए, तो ऊ ऊ बदल जाएगा व में। इसी तरह से री के बाद असमान स्वर आता है तो री बदलता है र में, और री के बाद असमान स्वर आता है तो री बदलता है ल में। बस आपको ये ध्यान रखना है, जब ई ई के बाद असमान स्वर हो, ऊ ऊ के बाद असमान स्वर हो, री के बाद तो वो क्रमशः य व र और ल में बदलता है। बस यही यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट पार्ट में अर्थात पहले टुकड़े में अंतिम स्वर ई ई ऊ ऊ री और री आता है तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? यण संधि। और ये ध्यान रखना, ई ई ऊ ऊ और री दीर्घ संधि में भी आते हैं, लेकिन शर्त क्या है? पीछे भी इसी के समान स्वर हो तो दीर्घ है, और पीछे अगर इसके समान स्वर नहीं है तो यण संधि है। ये दोनों में डिफरेंस आपको करना है। चलिए यथा जैसे एग्जांपल समझते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, प्रति, प्रति में स्वर क्या है? ई स्वर है, ठीक है, और ये है अक्षम। अब इस शब्द को अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसके नीचे जाते हैं, ई आता है, ई के बाद असमान स्वर है, असमान स्वर का मतलब ई के बाद ई नहीं आया, कोई दूसरा स्वर आया, तब आपको क्या करना है? ई को बदलना है य में, ठीक है। अब अपने पास यहाँ क्या बच गया? प्रत, और यहां से हमने इस शब्द को छेड़ा ही नहीं था, इस शब्द को एज इट इज यहां ले आते हैं, अक्षम। बहुत सिंपल है, समझ में आया? अब इनको जोड़ दो, ये प्र त के पीछे कोई स्वर नहीं, त आधा, य के पीछे स्वर क्या? अ है, तो य पूरा और अक्षम, वर्ड क्या बन गया? प्रत्यक्षम। समझ में आया? सेकंड देखो, इसी तरह से बनेगा, स्वर निकालते पहले ऊ, ऊ के बाद अ आया, मतलब ऊ के बाद असमान स्वर आया, ऊ नहीं आया है, असमान स्वर मतलब ऊ के अलावा कोई भी स्वर आता है तो ऊ किस में बदल जाएगा? य में। क्लियर लिखा हो, ऊ के बाद असमान स्वर तो वह किस में बदल जाएगा? व में। किस में बदलेगा? व में। अब देखो यहाँ क्या बच गया? स, वो भी आधा बचेगा क्योंकि ऊ हमने अलग कर दिया था, पीछे आ गया अल्पम, इस वर्ड को एज इट इज ले आएंगे, ठीक है, व और अ मिलकर, ये स आधा है, पीछे कोई स्वर नहीं, वह के पीछे अ है तो वह क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, और ये बन गया स्वल्पम, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते, इसको अच्छे से समझना, इसमें थोड़ा चेंजेस है, इसमें स्वर क्या है? री, री के बाद आ आया है, असमान स्वर है तो री को हम किस में बदल देंगे? र में, ठीक है। तीसरा, री के बाद असमान स्वर तो री र में बदलेगा, पीछे बचा पी त और यहाँ आ गया आज्ञा। यहाँ पर एक संयुक्त वर्ण यूज़ करेंगे हम, यहाँ पर देखो ये कंडीशन, त और र मिलकर क्या बन जाएगा? त्र, और अपने पास यहाँ बच गया पी और यहाँ आज्ञा, ठीक है। एक एक्स्ट्रा है, यहाँ पर त और र मिलकर क्या बन गया? त्र बन गया, संयुक्त वर्ण बना। अब इनको जोड़ते, पी त त्र के पीछे आ है तो त्रा बन जाएगा और ज्ञा, तो वर्ड अपना क्या बन जाएगा? पित्राज्ञा। नेक्स्ट इसको देखो, ली, ली के बाद असमान स्वर आया तो ली किस में बदलेगा? डायरेक्ट ल में बदलेगा। अब ल के बाद पीछे क्या बचा अपने पास? आकृति, एज इट इज वर्ड आ जाएगा। अब इनको जोड़ दो, लाकृति, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जब ई के बाद असमान स्वर अर्थात ई के अलावा कोई भी स्वर आता है तो ई य में बदलता है, ऊ के बाद असमान स्वर, ऊ के बाद कोई भी अन्य स्वर हो, ऊ नहीं होना चाहिए तो ऊ बदलता है व में, री बदलता है र में और ली बदलता है ल में, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है जो हम शॉर्ट में करके देखते हैं। यहाँ पर देखो ई आया है, ई किस में बदलता है? य में। देखो शॉर्ट में कैसे करेंगे, प्र ऐसे कैसे,
त में से ई अलग कर दिया तो त आधा, ई किस में बदलता है, या में बदलता है, पीछे अ स्वर है तो अ इसमें चला जाएगा और अपना वर्ड बन गया प्रत्यय। नेक्स्ट देखो अ, ना में से ऊ अलग कर दिया तो ना आधा, ऊ किस में बदलता है, या में, वा में बदलता है, तो ये वा, वा के पीछे आ है तो वा पूरा हो जाएगा और वर्ड बन जाएगा अन्वयः। नेक्स्ट इसको देखो, ये पी ऐसे कैसे, त, त में से री अलग हुआ, री र में बदलता है तो वर्ड क्या बन जाएगा, त्र, ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया था मैंने, फिर पीछे आ है तो त्र पूरा, नुमति, पितृनुमति। इस तरह से आपको यण संधि करनी है, बस यही ध्यान रखना है कि जब ई ई उ उ री और री के बाद अ समान स्वर अर्थात यही स्वर नहीं आने चाहिए तब यण संधि होगी, और इनके समान स्वर आ जाते हैं तो दीर्घ संधि होती है, वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर लिया था। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।